ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी, चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया, समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली, सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी, नाकाम रही पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर, चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा, घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की, दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात, गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म ना कुछ कर पाए, फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी, पर इज्जत का एक दाग था ऐसा कभी नहीं कह पाती थी, आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी, किस्सा सबको कैसे बताती, जब याद करके सहम है जाती, दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती, सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना, मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल। एक महिला ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया, शिव जी प्रकट हुए और बोले मांगो एक वरदान, महिला बोली प्रभु मुझे एक नहीं तीन वरदान चाहिए, शिव जी बोले ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सांस को दूंगा, शिव जी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी, महिला बोली चलेगा, पहला वरदान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, शिव जी बोले दिए, उसका 10 गुना उसकी सांस को मिल गया, दूसरा वरदान मुझे बहुत सुंदर बना दो, बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सांस सुंदर हो गई, तीसरा वरदान मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो, उसकी सांस को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहुरानी का हो गया। तब से शिव जी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। दो चोर शहर से चोरी करके जंगल में भाग आते हैं, उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है, तो वो 2 दिन तक जंगल में ही छुपे रहते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तो दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं, हम में से एक यहाँ पैसों की देखभाल करेगा और दूसरा शहर जाकर खाना लेकर आएगा, तो उनमें से एक चोर अपना चेहरा ढककर शहर जाता है और खाने का इंतजाम करने लगता है, तो दूसरा दोस्त जंगल में बैठा सोचता है कि इसके आते ही मैं इसे मारकर सारा खाना और पैसा ले लूंगा, और यहाँ शहर में पहला दोस्त सोचता है कि मैं इस खाने में जहर मिलाकर सारा पैसा ले लूंगा, वो खाने में जहर मिलाकर जंगल में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, वो खाना रखकर पैसा उठाकर भागने लगता है, और इतने में ही उसका दूसरा दोस्त उसे पीछे मार देता है, और उसे मारकर जैसे ही वो खाना खाने लगता है वो खुद भी मर जाता है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना।